462 में जर्जर सड़कों पर झूल रहे बिजली के खंभे, किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। जर्जर खंभे बदलने के नाम बिजली कर्मचारी प्रति घर से 100-100 रुपए मांग रही हैं। वार्ड 62 की पार्षद श्यामा के दफ्तर पर हर समय ताला लटका रहता है। श्यामा की जगह भाई इजहार मंसूरी पार्षद ही कर रही है। वार्ड के मोहल्ला सराय कलंदर बक्स व शाह बिलौल व खजूर ताला में जल निकासी अवरुद्ध, सफाई व्यवस्था ठप पड़ी हुई है। वार्ड के रहने वाले औरंगजेब मोहम्मद शाकिर आबाद शमीम अहमद समेत सैकड़ों पुरुष व महिलाओं में है पार्षद श्यामा के कार्य प्रणाली को लेकर भारी गुस्सा भरा हुआ है। मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल सहित बिजली विभाग के अफसरों के वार्ड 62 के जर्जर विद्युत पोल बदलने वाले की मांग, लेकिन कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बताओ आपका नाम? मोहम्मद शाकिर। क्या समस्या है इस गली में? क्या वार्ड 62 की गली लगती है, इसमें क्या क्या समस्या है? इसमें समस्या ना तो सफाई होती है और ये बिजली का खंभा गया गला पड़ा है, ऊपर से भी घर के ऊपर गिर गया है। इतना हादसा होने का चाहे जब हादसा हो सकता है यहाँ पे, उसके बाद भी यहाँ पर न सफाई होती है न ध्यान दिया जाता है। इतने परेशान है पार्षद ने, एक बार भी आकर यहाँ पर देखा नहीं है कि यहाँ के क्या हालात है। तो इसके आपने कुछ आला अधिकारियों से खंभे की या पार्षद से शिकायत नहीं की? हाँ जी, पार्षद से भी शिकायत की है और अधिकारी में भी इसके लिए हमने लिख के दे रखा है, अभी तक इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। लगभग कितने महीने से? 8 महीने से ऐसे ही पड़ा है खंभा, ये घर के ऊपर लटका पड़ा है, देखिए ऊपर। तो अभी तो बरसात का मौसम है, यहाँ तो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। आपने अवगत नहीं कराया उनको? हाँ जी, करा रखा है, अवगत करा रखा है। भाई साहब आपका नाम? शंभू। क्या समस्या है आप? यहाँ सफाई नहीं होती गली के अंदर, और जो है ये खंभा गिरा पड़ा, तारे देखो आप किस तरह जा रही, प्रशासन ने बिल्कुल आंखें बंद कर रखी इस काम से। तो आपने अधिकारियों को या पार्षद को इसकी शिकायत नहीं की? नहीं नहीं, हमने सब महल वालों ने सफाई के लिए भी और इसके लिए भी शिकायत करी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। तो पार्षद आते नहीं यहाँ पे? यहाँ कोई पार्षद भी नहीं आगे, जहाँ का इतना काम हुआ यहाँ कोई नहीं आगे जहाँ का। आइए आपको और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम भाई? मोहम्मद आबाद। क्या समस्या है मेन, क्या समस्या? समस्या तो यही है, देखो ये खंभा, मैंने कई बार तो बिजली घर जा चुका मैं, मेरी कम से कम FIR मैंने कंप्लेंट भी 3 दफा करवा दी, और देखो ये तार जो है ना मेरे अंदर का फेस भागा हुआ 25 दिन का, अब वो आया नहीं अभी तक, कितना ठीक करने का है। रोज डेली आए और एक दफा कहने लग गया कि भाई खंभा हम लगा देंगे, उसके लिए पैसे क्या चले गए। तो खंभा बदलने के लिए उन्होंने पैसे की मांग करी? हाँ। तो आपने शिकायत नहीं करी इसके आला अधिकारियों से या पार्षद से? हमने जाए शिकायत तुम को ना, वो तो आजकल करके टाल दीजिए, आजकल करिए और टाल दे। आइए और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब आपका नाम? मेरे सर और है। आपका नाम भी भाई? इनाम रहमान। क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम? यही समस्या है, कम से कम 15-20 दिन हो गया परेशान होते हुए, फेस नहीं आ रहा, बिल्कुल। और खंबे की भी बात कही, कहीं तो कई दफा लाए नहीं उसको, लाए हम कर्मचारी को, उसको बिजली घर से तो 25 दिन से फेस गायब है। 25-30 दिन से बल गया, टूटा हुआ है बकरा, इससे पहले से है, बहुत परेशानी हो रही है यहाँ। तो ये वार्ड 62 में ये मेन समस्या है भाई साहब, ये खंभा गिर रहा है, इस खंभे से कभी भी ये मकानों पर झुक गया है, कभी भी मानसून का मौसम है नीचे से बिल्कुल ये खंभा गिर गया है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ पर निर्यात निगम का बिजली घर लगता है और जय है प्रवीण बघेल, 25 दिन से इस गली का फेस गायब है। कभी काफी लोगों ने उनसे शिकायत की है, लेकिन उन्होंने इस शिकायत का कोई संज्ञान नहीं लिया, बल्कि जो है बिजली कर्मचारी यहाँ पर आए और इन लोगों से पैसे की मांग करी। कभी भी यहाँ पर कोई जो है बड़ा हादसा हो सकता है, इसकी जो है लोगों का क्षेत्रवासियों का कहना है कि 12-19 को शिकायत की, शिकायत जय साहब को फॉरवर्ड कर दी गई, 8 महीने इस काम को प्रोसेस को चलते हो गए, आज तक जय साहब ने इसका खंभा नहीं बदला। तारों की आप गली में हालत देख सकते हैं, कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। आज हम वार्ड 62 को कवर कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं मूल समस्याएं वार्ड 62 की क्या है। और आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। जी भाई साहब आपका नाम? शमीम अहमद। जी भाई साहब क्या समस्या है? बस कोई सफाई नहीं है, कोई सारा सिस्टम आपके सामने है, कोई इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। इसमें हमने कई मरतबा इसमें जी हिसाब से भी बात की, एप्लीकेशन भी की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो है पोर्टल पर इसके वो आ गया, 1-1.5 साल हो गया, अभी कर्मचारी आते हैं और ये कहते हैं कि उसके लो जी आज ही बदला जाएगा, 100-100 रुपए सब इकट्ठे करके दो आप। अच्छा, वो खंभा बदलने के लिए पैसे की मांग करते हैं आपसे? तो कह रहे थे वो आए थे पीछे के जी, अभी भेज रहा है मैं लेबर को, 100-100 रुपए दो, कोई नहीं, मैं लेबर का याद नहीं। तो आप देख सकते हैं योगी जी की जो है जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार की नीति को खत्म करने के लिए जो है सरकारें कोशिश कर रही हैं, लेकिन निचले कर्मचारी जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और बार बार पैसे की मांग कर रहे हैं।
आइए आपको और जगह वार्ड 62 में और जगह लेकर चलते हैं। आज हम आए हैं नगर निगम के वार्ड 62 में। यहाँ पर जो है लोगों की बहुत समस्याएं हैं, आज लोगों की बार बार शिकायत आ रही है, यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। आइए आज लोगों से बात करेंगे। हम वार्ड 62 के टोपेस राम आए हैं और यहाँ के जिम्मेदार लोग मौजूद लोगों से बात करेंगे। जी भाई साहब, आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद औरंगजेब है। क्या समस्या है आपके वार्ड में, पार्षद से क्या शिकायत है? समस्या क्या है कि जब से सभासद पार्षद साहब जीते थे नजर ही नहीं आते, और अगर कभी आते हैं उनसे कहते हैं वो वादा करके चले जाते हैं, फिर कभी लौटते नहीं है। ना लाइट सही आती है, लाइटें खराब पड़ी हैं, और सफाई का तो याद ही नहीं है कभी, वो भी नालियों की सफाई वगैरह। तो मेन समस्या क्या है? मेन समस्या है सफाई व्यवस्था को लेकर है। जी बिल्कुल, सफाई बिल्कुल भी नहीं है। नालियां आप देख लो, नालियों पे आप कैमरा लगाओ, बिल्कुल नालियां बंद पड़ी है, पानी भी नहीं चल रहा है। तो पार्षद से आपने रब्ता नहीं किया, संपर्क नहीं किया आपने पार्षद से? फोन कभी उठाते नहीं है, और अगर कभी रास्ते मिल जाते हैं तो ये कह देते हैं कल हो जाएगी, लेकिन वो कल कभी आती नहीं। सड़क आपके सामने टूटी हुई पड़ी है, आधी बनवाई थी, ये कह देता कि 8 दिन बाद दोबारा काम लगेगा। उस बात को लगभग लगभग 8-9 महीने हो गए, आज तक सड़क यूं की यूं पड़ी है टूटी हुई। तो क्षेत्र के लोग जो है पार्षद के पास इकट्ठे होके नहीं गए? पार्षद से मिलने का कोई टाइम ही नहीं है, जब पार्षद मिलेंगे जभी तो जाएंगे, ना कोई उनकी टाइमिंग है ना वो कभी मिलते, और फोन वो उठाते नहीं। पार्षद का कहना तो यह है कि उन्होंने कार्यालय बना रखा है, कार्यालय का कोई टाइमिंग नहीं है क्या? कार्यालय बना तो रखा है, और पार्षदों की तरह टाइमिंग भी तो उसके अंदर बैठने की, कभी भी नहीं बैठते वहां पे, टाइम पे जाओ कभी भी नहीं मिलते। चलिए चाचा, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक। क्या समस्या है यहाँ वार्ड 62 के टोपेस राम? सफाई नहीं होती बिल्कुल भी, नालियां देखो किस तरह सड़ी पड़ी तमाम। ये पार्षद तो जब से हुआ बिल्कुल तमाम इलाके का नाश हो गया, कोई सफाई नहीं है किसी तरह की, कोई लाइट सही नहीं है, खंभों पर देख लो किस कदर लाइटा खराब है, तमाम नालियों में कीड़े चल रहे हैं, पानी भरा पड़ा, देख लो आप खुद इंक्वायरी कर लो, पार्षद के पास जाओ वो वहां मिलता नहीं। अगर बाई चांस मिल भी जाएगा तो कह देगा बस कल को हो जाएगी, इंशाल्लाह कल को हो जाएगी, वो कल नहीं आज तक हुई, कब को वो कल होगी। भाई साहब, आपका नाम? मोहम्मद गुलफाम। आप वार्ड 62 के रहने वाले हैं? वार्ड 62 के रहने वाले हैं। क्या समस्या है भाई साहब? समस्या ये है कि अगर वार्ड 62 में काम नहीं होता है तो हमें सबर रहेगा, ये वार्ड 62 में काम नहीं हो रहा है, यही ऐसा पक्के बाग पे जाओ, सफाई भी मिलेगी, चुना छिड़कावा भी मिलेगा, हर चीज मिलेगी, उन्हें पानी भी वहां मुहैया है, हमें यहाँ पानी भी नहीं है, पूरे दिन पानी नहीं आता। तो पार्षद दोहरे नीति से काम कर रहे हैं, यानी अपना जो उनका क्षेत्र है उसमें वो काम कर रहे हैं, आपका कहना है, और यहाँ पे काम नहीं हो रहा। आप जाओ आपको पता लग जाएगा, उसकी गली में जाओ ऐसा लगेगा जैसे शादी हो रही है, चुना छिड़काव मिलेगा, सफाई भी मिलेगी, कहीं कूड़ा नहीं मिलेगा, सारी नालियों में पानी चलता हुआ मिलेगा, और पूरे वार्ड 62 में कहीं भी चले जाओ कोई काम नहीं मिलेगा, बस उसको उसकी गली ने जिता रखा है, वो अपनी गली का काम कर रहा है। भाई साहब, आपका नाम? मोहम्मद फुरकान। क्या समस्या है वाला? समस्या तो सफाई की है, सफाई नहीं हो रही यहाँ पे। तो ये थे वार्ड 62 में टोपेसरा के क्षेत्रवासी, इनका कहना है कि पार्षद दोहरी नीति से काम कर रहे हैं, और पार्षद जो है अपना जो उनका जिधर अपना वोट बैंक समझते हैं उधर ही काम कर रहे हैं, जबकि उन्हें 2300 वोट मिले हैं और 1300 वोट से लगभग वो जीते हैं। टोपेसराय, कलंदर बक्स, खजूरतला और शाबी लोल में उन्हें लोगों का प्यार मिला, उन्हें इस उम्मीद के साथ जिताया गया था कि हमारे वार्ड का विकास होगा, हमारे क्षेत्रों का विकास होगा, लेकिन विकास की जो है ग्रीमा पार्षद भूल चुके हैं, लोगों का फोन तक रिसीव नहीं करते, बार बार शिकायतें आती हैं, किसी का जन्म प्रमाण पत्र हो या सफाई व्यवस्था हो या पथ प्रदर्शक लाइट का मामला हो, पार्षद के यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। अभी 5 साल राम भरोसे गुजरने हैं, अभी 1 साल ही हुआ है और पार्षद नाकाम हो गए हैं। मैं एक्सप्रेस न्यूज भारत से अपने सहयोगी मोहम्मद अकरम के साथ जावेद अख्तर। निगम के वार्ड 62 में आज भ्रमण पे हैं, यहाँ पर लोगों की बहुत समस्याएं हैं। अभी हम वार्ड 62 के मोहल्ला टोपेसरा में थे, वहां लोगों की समस्याएं सुनी, इसके बाद हम आए हैं वार्ड 62 के मोहल्ला सराय कलंदर बक्स में, यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? मोहम्मद अरसलान। क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या तो बहुत सारी, क्या बतावे, फिर भी वैसे मेन समस्या क्या है? गली में सुधार हो रहा, खंभे झुके पड़े, तार भी है, बिल्डिंग जो पड़ी गली बताओ। अच्छा, ये जो खंभा झुक रहा है
ये खंबा झुक रहा है, ये मकान पर ये गिर जाएगा तो बड़ा कोई एक्सीडेंट हो जाएगा, इसके बारे में भाई आपने जो है पार्षद को नहीं कहा? पार्षद के पास जाते हैं, कोई काम नहीं हो पाता, वो आगे भी देखते हैं पार्षद जी। फोन किया आपने? फोन भी करते हैं महल वाले, लेकिन कोई काम ही नहीं होता, क्या करें। आपका नाम भाई? जी नाम है। क्या समस्या है हमारे? नालियों की सफाई नहीं हो रही, खंबे झुके पड़े, बच्चों को खतरा करते हैं। तो पार्षद को कहा आप लोग? पार्षद को तो पता नहीं, एक महीना हो गया है, इधर को भी पट्टी का आने रहा। आते नहीं आप? ना आते नहीं। आपका नाम भाई? मोहम्मद राहिल। क्या समस्या है वार्ड में, क्या नाम? फोन करते हैं रोज, करते हैं कि गली सही करवाओ, करवाते नहीं है, गली में पानी भरा हुआ है, आगे भी जाते नहीं, उड़े उड़े से करवा के चल जाते हैं, बहुत बुरी गली हो रही है, खंबे भी झुक रहे हैं। तो खंबे के बारे में नहीं आपने कहा? खंबे के बारे में कहा है, इनके करवाएंगे, फोन भी नहीं उठाते। आपका नाम भाई? मोहम्मद मुशाल। क्या समस्या है आपके यहाँ? मतलब ये नाली की समस्या है, नर्मदा नहीं आता, कई कई दिन हो जाते हैं, कई कई दिन हो जाते हैं, सफाई के बुलाना करता है, फोन करके कंप्लेन करते हैं, जब जाके आते हैं। अच्छा, ये खंबा झज्जर होता जा रहा है, बरसात की मौसम है, कोई हादसा ना हो जाए, बच्चे खड़े रहते हैं यहाँ। ये तो दिख रहा है मकान पर झुक गया सारा, अगर गिर गया तो यहाँ पे कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा। इसके बारे में आपने किसी अधिकारी या पार्षद महोदय से कोई शिकायत की? जी, कई दफे शिकायत करी है। तो क्या संज्ञान में लेते? अभी तक तो कोई कई मरतबा हो गया कंप्लेन करी। आपका नाम भाई? मोहम्मद आशिक। वार्ड 62 में रहते हैं जी। क्या समस्या है भाई यहाँ की? समस्या तो बहुत सारी है, सफाई नहीं हो पाती ढंग से, गंदगी बहुत है, बरसात का टाइम चल रहा है, इतनी गंदगी है, सारी नालियां भरी पड़ी है और गलियों में पूरा पानी भर जाता है, बारिश हो जाती है, और दो चार खंबे है, एक तो खंबा ही है यहाँ पे, और पर दूसरी गली में हमारी वाली में वहाँ पर भी खंबा है, दोनों झुके पड़े हैं बिल्कुल। और रात को बैठते हैं, कुछ खतरा ना हो जाए बारिश की वजह से, कुछ तार ना गिर जाए, सबको दिक्कत होगी, बच्चे भी है, बड़े भी है, सबको दिक्कत होगी। और जब तक इलेक्शन हुआ है उसके बाद तो शायद एक या दो बार ही आए यहाँ पे, उसके बाद तो दिखते ही नहीं है, और फोन करते हैं फोन नहीं उठाते। आइए अब और लोगों से बात करते हैं। भैया आपका नाम? मोहम्मद नजीम। क्या मेन समस्या है वार्ड के अंदर? मेन समस्या गलियों की सफाई नहीं हो पाती, मंगल के दिन आते हैं भाई हफ्ते में एक बार, उसी दिन सफाई होती है बस, बाकी उसके बाद सफाई नहीं होती। तो पार्षद जी से आपने शिकायत नहीं की? मैंने इसमें कोई मुलाकात नहीं, फोन करा था, सुबह फोन किया था, सुबह फोन किया था, ऊपर पड़े सफाई होती है, सफाई होती नहीं है, थोड़ी सी बारिश हो या गली में पानी भर जाता है। आपका नाम? मोहम्मद सलमान। जिस पार्षद से पहले परेशान है, इससे ज्यादा परेशान अब हम हो रहे हैं, साल हो गए यहाँ सफाई नहीं, नालियों की पानी भर रखता है, कूड़े की गंदगी, क्या हालत देखो आप, कैमरा मारो, पब्लिक कहाँ जाएगी? पार्षद साहब ही नहीं आके देखने गए, जीत के वो पहले पहले दावे थे, मैं यूं कराऊंगा, मैं इंजीनियर हूँ, मैं गलियां करा दूंगा, सारी टुकटी भी सड़के पड़ी यहाँ सबको गलियां, सारा पानी बाहर आता है। तो आपने उनके फोन पर संपर्क नहीं किया? फोन पे कहते हैं हाँ जी आ जाएगा, भेज देगा। सुबह फोन करा था, उन्हें एक जमादार भेजा था, उन्हें झाड़ू लगाई और दो चार थैला करके यहाँ रखते उठ गया। नहीं, जैसे कि नालियों में चौड़ा आटा कुट भरा पड़ा है, हमने देखा है, इनका जो है नेट नहीं निकलवाते, हफ्ते में एक आधी बार, वो भी ऊपर ऊपर से, मंगल का दिन हफ्ते में एक बार वो निकलता है, और वो भी ऊपर ऊपर से, नीचे से चौड़ा नहीं निकलता, ऊपर से जो पोलोथीन वगैरह आती है वो निकलती है। तो ये थे सराय कलंदर बस के लोग, अभी हम इस वार्ड 62 को कवर कर रहे हैं, अभी हम चलते हैं वार्ड 62 के दूसरे महल्ले में और लोगों से बात करेंगे।